आई थिंक लास्ट क्लास में भी तभी मैंने नहीं की थी, क्योंकि ये सारा ना वो फिर वो एक तरह से अभी है एक्स्ट्रा है, उसके बाद एक तरह से स्टैंडर्ड बन जाएगा। और कौन सी इतनी बड़ी वीडियो मसला होगा फिर उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना। खैर तो हम लोग आते हैं अपने इधर, तो आपके पास बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने एक फाइल बनानी है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर है कि सिर्फ अंडरस्कोर है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक सिर्फ एक अंडरस्कोर है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक न्यू फाइल बनानी है और उसको नाम दे देना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर रीडायरेक्ट्स, और अंडरस्कोर रीडायरेक्ट्स ये जो फाइल है ये रिएक्ट की नहीं है, ये फाइल नेटिफाई के लिए है, सही है, नेटिफाई स्टैंडर्ड। मैंने ये हमारे लिए इशू हो गया था जब हम लोग ये आईसी का डैशबोर्ड बना रहे थे, तो उसमें ये सेम मसला आया था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम रीलोड कर रहे थे तो हुआ, तो मुझे पढ़नी पड़ गई थी नेटिफाई की डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें से जाके मुझे सोल्यूशन मिला था, सही। तो इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली इसको पढ़ना ना बहुत सिंपल है, ये क्या कह रहा है कि स्लैश स्टेरिस्क, अब स्लैश स्टेरिस्क जो है वो यूनिवर्सल यूआरएल को कहते हैं, कि मतलब आपकी इंडेक्स राउट के अलावा कोई और कोई भी राउट आए तो उसको कहां भेज दो, स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और रिटर्न में स्टेटस कोड क्या दे दो, 200। तो बेसिकली हम डेलिबरेटली सर्वर को कह रहे हैं कि जब कोई भी इंडेक्स राउट के अलावा और कुछ भी आए तो उसको डायरेक्टली किसके पास पास कर दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास पास कर दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बाकी सब कुछ हैंडल कर देगा। अब क्या इतना काफी है, तो नहीं इतना काफी नहीं है, आपको उसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी। अब ये काम करने के आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि आप बिल्ड जहां पे ये लिखा हुआ है ना React Scripts build, यहां पे आप लिखेंगे ampersand ampersand, जो कि JavaScript में इसका मतलब होता है and, and आगे जाके space देके cp, और ये वाली जो आपकी फाइल है underscore redirects इसको आप cp करेंगे जो build का फोल्डर बनेगा उसके अंदर। कभी ये किया है, ये वाली कमांड चलाई है किसी ने कभी, npm run build locally, locally आई थिंक ये मैंने तब बताया था जब वो नेटलिफाई पे मैं कह रहा था कि एरर्स चेक करने हो तो वो ये वाली कमांड चलाता है। अब उसको ये वाली कमांड कहां से मिलती है, इसको ये कमांड मिलती है एक तो पैकेज डॉट जेसन से, एक मिनट हमारे पास इसका नेटलिफाई का अकाउंट होगा आई थिंक leafy.com, ये आपका नॉर्मली डैशबोर्ड होता है जब कोई भी आप चीज डिप्लॉय कर देते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें इसकी साइट सेटिंग्स में जाना है, सही है, साइट सेटिंग्स में यहां पे आपको लिखा क्या होगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, याद है वो डॉट ईएनवी की जो मैं बात कर रहा था, ये थोड़ी सेम वही काम है। अब डॉट एनवायरमेंट वेरिएबल्स में हमें चेक करना है, इधर हमने कोई भी सॉरी एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं देना, इधर हमें चेक करना है एडिट सेटिंग्स, अच्छा यहां पे हमने ये चीज नहीं लगाई हुई। तो जैसे ये बिल्ड कमांड है, अब बिल्ड कमांड क्या है, यार्न बिल्ड, तो मुझे इसको बेसिकली कहना है कि एंड एंड एम्परसेंड एम्परसेंड सीपी, जो मेरी रूट डायरेक्टरी है उसमें एक फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल का नाम क्या है, रीडायरेक्ट्स, इसको भेज दो, एक बिल्ड का फोल्डर बनेगा जो अभी बन जाएगा थोड़ी देर में, ये बन गया क्योंकि मैंने कौन सी कमांड चलाई, npm रन बिल्ड, तो हमारे पास बिल्ड का फोल्डर बना। अब बिल्ड के फोल्डर में क्या क्या होता है, नॉर्मली एक आपके पास स्टैटिक का फोल्डर होता है जिसमें इमेजेस वगैरह आपकी पड़ी हुई होती हैं, दूसरा आपके पास index.html वही पड़ी हुई होती है, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसेट manifest.json, जो बेसिकली इसको बताती है कि कौन सी चीज कहां पर है, सही है, जो जितने भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड था वो जमा होकर किसमें पहुंच गया है, main.abcd जो भी है उसके बाद .js। नहीं 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 नहीं, आपको खुद ब खुद हो जाएगा, तभी हम क्या कह रहे हैं कि जब भी तुम ये वाली बिल्ड कमांड चलाओ तो उसके साथ ये जो बिल्ड का फोल्डर है सीपी बिल्ड, ये वाली फाइल पेस्ट कर दो। अब ये वाली जो कमांड है ना सीपी, सीपी कमांड बेसिकली लिनक्स की कमांड है,
लिनक्स में सीपी का मतलब होता है कॉपी। तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि जब बिल्ड करने जाओ तो बिल्ड कब कब होगा, जब जब आप फाइल में चेंज करके गिटहब पे पुश करते हैं तो ये दोबारा से बिल्ड करना शुरू कर देता है, आप सबने देखा होगा। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जब भी तुम बिल्ड करने जाओ तो सबसे पहले तो बिल्ड करो, ठीक है, जब बिल्ड हो जाए यानी कि एंड, उसके बाद सीपी करो, कॉपी करो एक फाइल जो किसमें पड़ी हुई है, रूट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। और रूट डायरेक्टरी कौन सी होती है, जहां पैकेट डॉट जेसन होता है, तो हमने यहीं पर रखी हुई है पैकेट डॉट जेसन के बराबर में, ये यहां पे पड़ी हुई है, सही है। तो मैं इसको कह रहा हूं कि ये सीपी अंडरस्कोर रीडायरेक्ट वाली फाइल जो है उसको कॉपी कर दो बिल्ड के फोल्डर के अंदर और ये वाली फाइल भेज दो, क्योंकि जो आपका नेटलिफाय है वो रिक्वेस्ट भेजता है जब नेटलिफाय पे, तो वो किस फाइल को दिख रहा होता है, किस फोल्डर को दिख रहा होता है, सॉरी बिल्ड के फोल्डर को, क्योंकि वो चल जो रहा होता है वो आपका बिल्ड का फोल्डर रहा होता है। जैसे अब ये बन गया आपका फोल्डर यहां पे, तो बेसिकली जो चीज आपकी चलती है वो यहां से चलती है, सही है, index.html से। अभी ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि बाकी चीजें सर्व नहीं हो रही, तो आपको अगर इसका वो देखेंगे, कंसोल देखेंगे तो आपको एरर आएगा कि ये फाइल नहीं मिली, वो फाइल नहीं मिली, फलाना ढिमकाना। तो इसके लिए एक सर्वर चाहिए होता है इसको सर्व करने के लिए फाइल्स को। खैर, तो नहीं, मसला ये होगा कि आपके पास बिल्ड होगा ही नहीं। अगर आप गिट इग्नोर पढ़ेंगे तो गिट इग्नोर के अंदर बड़ा बड़ा लिखा होता है क्या, बिल्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बिल्ड फोल्डर है ये हम कभी भी गिटहब पे नहीं भेजते। उसकी वजह क्या है कि ये बिल्ड फोल्डर कब बनता है, ये नेटलिफाई में खुद बनता है, क्योंकि नेटलिफाई में जब भी आप कोई चीज चेंज करके फेंकते हैं तो वो हमेशा ये वाली कमांड npm run build चलाता है, हर बार चलाता है, यानी कि आपके पूरे कोड को कंपाइल करके एक नया बिल्ड का फोल्डर बनाता है और उसमें से जो फाइलें होती हैं उनको सर्व करवाता है और आपको रीड करवाता है। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जुगाड़ कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं जो अंडरस्कोर रीडायरेक्ट्स है, ये वाली जो फाइल है हमने एक इंटेलिजेंटली कॉपी करवा दी है उसके बिल्ड वाले फोल्डर में। जब उसके बिल्ड वाले फोल्डर में अंडरस्कोर रीडायरेक्ट्स उसको मिलेगा तो अब वो क्या करेगा, उसको जितने भी राउट से आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी वो सब कहाँ भेज देगा, मेन राउट पे डायरेक्टली भेज देगा। क्या आप नहीं करते? ये तो मैंने बताने के लिए किया कि बिल्ड फोल्डर बनता है। नहीं 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 नहीं, नेटलिफाई पे किसी ने भी रन बिल्ड प्ले किया है क्या? अगर मैन्युअली अगर आप करना चाहें तो करते हैं। अभी एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल रहे, मेरे पास बिल्ड फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक नई मेरी गिटहब बनी हुई है ना, सॉरी खुली हुई है, तो हम एक न्यू करते हैं। इस न्यू में ले जाके हम लिख लेते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग रिएक्ट, और इसको हम पब्लिक, यार ये क्या किया यार, वीडियो स्ट्रीमिंग रिएक्ट, और इसको हम पब्लिक रखते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे छुपानी पड़े, सही है, सब कुछ हो रहा है। और हमने इसको कर दिया क्रिएट रेपो, क्रिएट रेपो हुआ तो अब हमें बताएगा कि किस तरीके से हम गिट ऐड ओरिजिन करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या होता है गिट इनिट, तो री इनिशियलाइज्ड एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। एग्जिस्टिंग कहां से आई, पहले कौन किसके पास थी भाई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम इसको बोलते हैं गिट इनिट इनिशियलाइज्ड, उसके बाद हम ये ऐड कर लेते हैं इसमें, ओरिजिन ऐड हो गया। अब उसके बाद आपको पता है कि गिट ऐड गिट कमिट माइनस एम स्लैश इनिशियल और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, सही। अब ये अनेबल टू एक्सेस क्यों दे रहा है, क्योंकि गिटहब का यूजर बिलाल सिद्दीकी का लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे करना ही पड़ेगा कि मुझे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके डेवलप, ये मैं खुद भूल गया हूँ, क्रेडेंशियल मैनेजर मैंने कभी यूज नहीं किया है। हो
आई थिंक डेवलपर सेटिंग था, डेवलपर सेटिंग्स में हमारा पर्सनल एक्सेस टोकन्स, यहाँ सॉरी ओथ एप्स टोकन्स क्लासिक, तो हमारे पास बड़े टोकन बने हुए हैं, हम जनरेट न्यू टोकन कर रहे हैं, रेको रेपोस्कोप फॉर जनरल यूज़, फिलहाल हम जनरल यूज़ कर लेते हैं, नोट लिख लेते हैं हेलो, इसको हम देते हैं रेपो डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट वर्क फ्लो पैकेजेस एडमिन, और हम इसको जनरेट टोकन करा लेते हैं। सही है, तो ये ऐड हो गया, तो गेट इन इट क्या, खैर है टोकन से क्या होगा, मतलब 30 डेज के ऊपर डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम डिलीट भी कर देंगे आप बोलेंगे। सही है, तो हमारे पास टोकन, अब हमारे पास टोकन के साथ बाइंडिंग हो जानी चाहिए @github.com। सही है, तो ये है गेट रिमोट एड ओरिजिन, अब हमारे पास ओरिजिन ऐड हो चुका है, हम दोबारा बोलेंगे गेट ऐड गेट कमिट माइनस एम इनिशियल और गेट पुश ओरिजिन मास्टर। अब लाजमी सी बात है होगा, टोकन ऐसे इजी होता है बाकी सारी पंचायतों से, मेरे खुद के लैपटॉप में तो डेस्कटॉप पे फाइल बनी हुई है गिटहब टोकन, मसला ही नहीं होता। खैर, अब इस पे हमारे पास गिटहब रेपो आ चुकी है, अब एक मसला होगा कि इस फाइल, इसके अंदर जो मैंने यूज किया हुआ है नोड सर्वर, वो किया हुआ है लोकल, लेकिन फिलहाल वो हमारा मसला नहीं है। हमने इसमें कोई राउट बनाया है, खैर लेकिन एक काम कर लेते हैं, अब हमारे पास अंडरस्कोर रिडायरेक्ट्स की जो फाइल है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब अंडरस्कोर रिडायरेक्ट्स की फाइल क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, तो हम जाते हैं जनरल साइट ओवरव्यू, तो हम कहते हैं इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब, और यहां पे हम कहते हैं वीडियो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है जब तक ये बिल्ड कंप्लीट नहीं होता, इवन पुरानी वाली आई थिंक वो वर्जन आपको दिखा देगा, जो न्यू वर्जन है उसको अपीयर होने में आई थिंक 2 मिनट लगते हैं, 1.5 से 2 मिनट जो मेरा आइडिया है वो लगते हैं। खैर, तो हमने इसको चला लिया है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इसकी बिल्ड कमांड क्या है, बिल्ड कमांड में क्या दे रहा है npm रन बिल्ड, और आपको पता है कि इसमें मुझे और इसको क्या देना है cp underscore, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, और underscore redirects, और इसको पेस्ट कर दो बिल्ड, जो कि नीचे आपको पब्लिश डायरेक्टरी भी दिखा रहा है, तो इसके अंदर रिडायरेक्ट्स, तो अब मैं इसको कहता हूँ डिप्लॉय साइट। क्या यार्न बिल्ड करें, एक ही बात है, यार्न और npm दोनों एक तरह के पैकेज मैनेजर्स हैं और कुछ भी नहीं है। यार्न मुझे थोड़ा थोड़ा कभी अच्छा लगता है, क्योंकि यार्न कभी कभी जो कुछ एरर्स हैं जो npm आपको एरर देता है ना, कहीं से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया तो कभी कभी npm जो है बार बार एरर देता है, पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करता, ऐसी कंडीशंस में कभी कभार मैं यार्न भी यूज कर लेता हूँ। क्या कहाँ पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे या सर्वर पे? डिप्लॉय मतलब इधर नेटलिफाई पे, नेटलिफाई पे अभी तो मेरा तो रन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बेसिकली वो ES lint को क्लोज डाउन कर रहे हैं, नहीं उसमें तो अलग चीज़ है वो, आपको ये लोग आप क्या देते हैं exp जहाँ पे आप रन बिल्ड दे रहे हैं वहाँ पे आप क्या लिखते हैं?
हाँ CL इट इज इक्वल टू रन बेल्ट, पता नहीं यार ये मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने कभी देखा है कि वो ES लेंट का एरर आता है यहाँ पे, मतलब ES लेंट बोलता है यार ये ऐसे होना चाहिए था वो वैसे होना चाहिए था, तो वो ना क्रैश कर देता है यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ होता है। तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि एक जो एनवायरमेंट वेरिएबल है ES लेंट का हम उसको वो फॉल्स कर देते हैं कि वो चेक ना करो। यार मेरे साथ होता तो फिर हम ज़्यादा सर्च कर लेते हैं, लेकिन अभी लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो उसका जो ES लेंट है उसको आप टर्न ऑफ कर रहे हैं। ES लेंट बहुत इशू करता है, खासतौर पे अगर आपने कोई कोड कहीं से उठाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा इशू करता है। ES लेंट भी दो तरह का है, एक आपका तो इतना डीपली सर्च करता है कि आपने वो आप वो करते हैं ना ये नेम्ड इम्पोर्ट, तो नेम्ड इम्पोर्ट में आपका जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके बीच में वो वर्ड लिखा हुआ होता है, तो वो साइड में से स्पेसिंग्स होनी चाहिए, ये ES लेंट की स्पेसिफिकेशन है। अगर आप साइड में से स्पेसिंग्स नहीं देंगे ना तो वो एरर दे देता है कि इसको पहले स्पेसिंग्स देकर आओ। दूसरा कि वो अनयूज्ड आपके इम्पोर्ट्स ना नहीं होने चाहिए, उसके बाद अनयूज्ड वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, तो उसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। अगर आपको नहीं चाहिए वो एक स्पेसिफिकेशन है, आपको करना चाहिए, आइडियली हमें करना चाहिए। आइडियली अगर आप एक प्रोडक्शन लेवल कोड बना रहे हैं ना तो वो आपको कह रहा है कि आप ये डिप्लॉय जो कर रहे हो, ये बिल्ड जो आप कर रहे हो npm run build, इसका मतलब है आप प्रोडक्शन लेवल कर रहे हो। तो प्रोडक्शन लेवल कर रहे हो तो वो कह रहा है कि कोड जो है पिच परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स हैं। ES lend क्या है, बेसिकली एक सिंपल स्पेसिफिकेशन है, जैसे पाइथन में pylend है, इनकी ES lend है, ES lend है ECMAScript lend। lend होता है कि भाई जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो निकालना, तो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। अब पाइथन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक लाइन जो है वो 80 करेक्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे मोटे एरर्स जो हैं ये आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो कोड है वो समझ ले इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत अच्छा होगा। अगर आप कह रहे हो यार अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आप ES lend को आप क्लोज डाउन कर सकते हैं। एक्टिवेटेड होता है आप जब क्रिएट ये आप करते हैं ना क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको लगा देता है। किस पे? नोट जेएस में तो कोई ताल्लुक नहीं है ES lend का, ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेव हुआ हुआ होता है। आई थिंक आपको उसकी लाइब्रेरी भी दिख जाएगी अगर आप पैकेज डॉट जेसन में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे इसने बताया हुआ होता है, इसने स्पेसिफिकली यहाँ पे शो नहीं किया। हाँ आता था वैसे यहाँ पे वो एक लाइब्रेरी है, हो सकता है कि उसने रिएक्ट के पैकेज में अंदर डाल दिया, वरना पहले इस तरह के आपको स्लैश करके ES lend लिखा हुआ लाइब्रेरी बाकायदा वो दिखती थी कि उसने क्रिएट रिएक्ट ऐप ने ऑलरेडी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। आई थिंक ये 18वां वर्जन है, तो हो सकता है कि उन्होंने रिएक्ट के पैकेज के साथ उसको बिल्ड कर दिए, ज्वाइन कर दिए। बस ये दो चीज़ें करने से अभी हम जाते हैं ना इस पर जो हमारी डिप्लॉय हो गई, तो इसकी परमालिंक क्या है? अब परमालिंक जाहिर सी बात है कि वो चलेगा नहीं क्योंकि मसला बनेगा। अब स्लैश ऐप करेंगे तो अब ये डायरेक्टली देखो इस पेज पे आ गया, क्योंकि उसको वो वाला URL मिला नहीं तो यहाँ पे आ गया। अगर अभी आपकी जो ऐप है वो क्या कहेगी इस वक्त, पेज नॉट फाउंड। अब मेरी ऐप डायरेक्टली उसको लेके आ रहा है डिफॉल्ट ऐप के कंपोनेंट पे। वैसे ये आपको स्पेसिफिकली बताना चाहिए, आप राउटर में यूनिवर्सल राउट बनाते हैं कि अगर आप कोई भी ना हो आपको वो गलत URL दे रहा है, तो आई थिंक जब हम राउटर पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यूनिवर्सल राउट देना लाजमी है, एक स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ वो बाय एक दफ़ा एक डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन अगर आप राउटर लगा रहे हैं तो आप ये लाजमी चीज़ दें कि आप उसको हैंडल करें। नॉर्मली मेरा होता है कि एक सिंपल सा मैं एक CSS की कोई उठा लेता हूँ पेज बना हुआ, जिसमें खूबसूरत सा लिखा हुआ हो कि द पेज यू आर रिक्वेस्टिंग इज नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चेक योर URL अगेन। तो इस तरीके से होता है खूबसूरत ना, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है कि स्टैंडर्ड लगता है कि अच्छा है। तो ये तो आई थिंक राउटर होना भी चाहिए, और उसमें मैंने ये भी किया हुआ है जो अभी IEC का जो डैशबोर्ड है उस पर, तो मैंने इतना किया हुआ है कि उस पर मैंने टाइमर लगाया हुआ है, वो 5 सेकंड के लिए दिखाता है कि द URL यू हैव रिक्वेस्टेड डजंट एक्सिस्ट ऑन आवर वेबसाइट, नाउ वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू द मेन पेज, ये लिखा हुआ होता है और 5 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है सेट टाइम आउट का, और वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है डायरेक्टली मेन पेज पे। तो इस तरीके से हमने उस पर थोड़ा काम किया हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अगर हम उसको रोके रखेंगे ना तो यूज़र बोलेगा मैं क्या करूँ,
सही, हम उसको वापस भेज देते हैं कि भाई तुम जिस यूआरएल पे आए थे वो एक तो गलत है, और दूसरा कुछ पे मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो आपको ना एक लिंक दे देते हैं, जैसे कि वो दे देते हैं कि भाई लॉगिन पेज पे चले जाओ, वो दे देते हैं कि अपने मेन पेज पे चले जाओ, एक और होता है कि अपने पिछले पेज पे चले जाओ, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, सही है। और ये काम भी होता है आपका उसके साथ यूज़ नेविगेट से होता है, न्यूज़ नेविगेट में हम लोग उसको सेव रखते हैं, उधर से ही उठा लेता है कि आपके पास ये लास्ट इसकी जो हिस्ट्री थी, मतलब लास्ट जो यूआरएल थी वो कौन सी थी, ये उसको वहाँ पे ट्रिगर मार देता है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। हाँ, अब ये हो रहा है, अब हम इसको स्लैश मैंने ऐप दी ना, तो अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसने अपने सर्वर को कहा कि तुमने कोई चीज़ ढूंढनी नहीं है फाइल्स में, जो यूआरएल मिले कौन सी किसको ट्रिगर कर दो, index.html। अब index.html को जब ये स्लैश ऐप मिलता है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा हुआ है कि आपके पास अगर स्लैश ऐप आ रहा है तो वो राउटर्स में सर्च करता है कि मेरे राउटर्स में स्लैश ऐप डिफाइंड है, समझ रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है, ये सारा जावास्क्रिप्ट का काम है, क्योंकि अगर आप करेंगे window.location.href तो आपको ये मिल जाती है पूरी, ये जावास्क्रिप्ट का सिंपल मेथड है। तो राउटर्स में यही हुआ हुआ है कि वो window.location.href से पता लगा लेता है कि ये कौन सा आप राउट पे जाने की कोशिश कर रहे थे, उस राउटर का अगर वो कोई राउट बना हुआ होता है तो वो उसके पास आपको उस कंपोनेंट के थ्रू रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये सिंपल सा एक आपके पास मेथडोलॉजी है। एक काम करते हैं कि इसके अंदर हम लोग एड अप करते हैं रिएक्ट राउटर सबसे पहले, तो क्योंकि इसके अंदर होना चाहिए। यार अगर आप बाय स्टैंडर्ड जाएं, कि अगर आपको स्टैंडर्ड अगर आप देखना है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आपको करना ये पड़ता है, जैसे आप आ रहे हैं अमेज़ॉन के कौंसल पे। अच्छा यार वो कंपनी का हमारा रिजेक्ट हो गया, मुझे मेरे बॉस ने ईमेल की थी कल, तो $10,000 नहीं मिले, तो हम लोग S3 यूज़ नहीं कर पाएंगे। नहीं वो पैसे तो थे ही नहीं, उनके बगैर ही था। यार पासवर्ड तो आप में से हो सकता है किसी ने ये डैशबोर्ड देखा हो। अब चलो हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, सही है। नेटलिफाई जो है वो यूज़ होता है प्रोडक्शन लेवल के लिए, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है, होता है आपके सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, और फ्रंट एंड भी ज़रूरी नहीं है। आपके कंपनी वाला कह सकता है कि यार ये तो नेटलिफाई की सर्विस है, जैसे हिरोकु ने पे कर दिया, वो कभी भी नेटलिफाई भी पेड कर सकता है, तो वो कहेगा यार ये रिस्की है। तो आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको कहाँ पे डिप्लॉय करो, हमारे AWS पे ही इंस्टॉल करो, यानी कि आपका बैकएंड भी और फ्रंट एंड भी। तो हम एक सर्विस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, EC2। AWS की सबसे ज्यादा चलने वाली सर्विस है ये, और ज्यादा सबसे ज्यादा कमाता AWS इसी सर्विस से। अभी ये आयरलैंड क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें गलत लगाया हुआ है। और AWS का जो कॉन्सोल है कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा इसकी सर्विसेज को ही समझना सर का दर्द है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ अभी ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सिर्फ किससे रिलेटेड है, EC2 उनकी एक सर्विस है, और ये पूरा डैशबोर्ड देखें। अभी ये मसला ये हुआ है कि हम मिल गई, मैंने एक इंस्टेंस चलाई हुई है, सही है, लेकिन वो मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने किस लोकेशन पे चलाई हुई है, क्योंकि इसके अंदर AWS आपको बहुत सारी लोकेशन देता है जिसमें आप अपनी इंस्टेंसेस को चला सकते हैं, जिसमें सबसे अगर आपको कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है तो आप उसको हमेशा प्रेफर करेंगे मुंबई,
ठीक है, लेकिन मेरे ज़्यादातर जो हैं वो बाहर गए हैं, तो मैं नॉर्मली या तो ओहायो करता हूँ या नॉर्थ वर्जीनिया करता हूँ, और अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है तो हमारे पास सिडनी सबसे बेस्ट चॉइस है, बना हुआ होगा। जितनी भी यहाँ पे आपको लोकेशंस दिख रही हैं वो मतलब वो डेटा सेंटर्स हैं, सही है। तो ये एक मेरी एक इंस्टेंस है, आप देख रहे हैं चल रहे हैं, इसकी टाइप T2 माइक्रो है, तो ये सबसे लोएस्ट है, 1 GB रैम आपको मिलती है। अब इससे कनेक्ट करने का तरीका एक सबसे आसान है कि आप इसको क्लिक करें, तो यहाँ पे कनेक्ट करने का बटन है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा कि ये आपने डैशबोर्ड में आपको ले जाएगा। अब ये सिंपल क्या कर रहा है कि ये इस इंस्टेंस से कनेक्शन बना रहा है। अभी यहां पे इसने एरर क्यों दिया, उसकी वजह ये है कि ये वाली जो मेरी इंस्टेंस है ये प्राइवेट की प्रोटेक्टेड है। अब मतलब कि वो प्राइवेट की सिर्फ जिसके पास होगी ये उसी वही मतलब यूजर जो है इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये डायरेक्टली जो इंस्टेंस है इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स, ठीक है। अब लिनक्स जो है वो आपके पास ये विंडोज है, तो अब विंडोज से लिनक्स के थ्रू जो हम कनेक्शन बनाते हैं या आप इसको एक्सेस करते हैं, वो हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका नाम है, अजीब सा नाम है, पटी, सही है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, अब ये कनेक्शन बनाता है आपका, आपकी इंस्टेंस है। लेकिन जब ये कनेक्शन बनाता है तो इसकी खास बात है कि वो कुछ ऐसा ही दिखता है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही दिखता है, बस यहाँ पे लिखा हुआ आता है लिनक्स वाला टर्मिनल वाला जो डॉलर साइन होता है, यानी कि ये बहुत सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपका ये बेसिकली कनेक्शन बनता है। अब आपका ये कनेक्शन बन गया तो आप इस इंस्टेंस के इंस्टेंस में जब आप एंटर हो जाते हैं, वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताएगा कि मैंने ये एक प्राइवेट की बनाई हुई है IEC_backend.temp, टेम्प जो आपकी ये एक्सटेंशन है, ये आपकी सीक्रेट की फाइल होती है, एक पूरी फाइल डाउनलोड होती है। अभी हम सिक्योरिटी रीजंस के लिए करते हैं, आपको पता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, या दूसरा क्या होता है आपकी की फाइल। की फाइल बहुत सिक्योर है, की फाइल जिसके पास होगी अब वही एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो आपका पासवर्ड है वो हैकेबल है। अब पासवर्ड जैसे कि कोई होगा ना तो वो हिट करने की कोशिश करेगा, पासवर्ड लगाने की कोशिश करेगा, रैंडम पासवर्ड, और अगर उसका सही पासवर्ड लग गया तो उसको इंस्टेंस का एक्सेस मिल जाएगा। अब ये की फाइल जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, इसको ब्रेक करना नामुमकिन है। तो अब ये फाइल जिसके पास होगी वही बंदा सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है, और ये मेरे ऑफिस के PC में पड़ी है। नहीं, जब तक हमारे पास ये की फाइल ना हो। वैसे तो अगर ये विंडोज से भी कनेक्ट हो जाता है, विंडोज के लिए हमें ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है जो मैंने अभी दिखाया, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये आपसे यूजर नेम मांगता है, पास आपकी की फाइल मांगता है, और वो आपका IP एड्रेस मांगता है। अब ये IP एड्रेस आपको कहाँ से मिलता है? IP एड्रेस आपको मिलता है बिल्कुल यहाँ से, इस सर्वर का। अगर आप इस सर्वर पे जाएं तो यहाँ पे आपको दिखेगा पब्लिक V4 एड्रेस, सही है। तो ये पब्लिक V4 एड्रेस जो है ये बेसिकली मेरी इस इंस्टेंस का एड्रेस है। अब इस एड्रेस पे आप उसको सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये एड्रेस है, ये की फाइल है, मुझे लॉगिन कर दो। तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर जो है एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलेगा विंडोज से, और आप उबंटू से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जब एक दफा आप कनेक्ट हो गए ना, आप समझ लें आपके पास जो टर्मिनल है वो विंडोज का नहीं है, वो उस उबंटू का है या उस लिनक्स का है। तो आप जो भी कमांड लिखेंगे बेसिकली वो इस सर्वर के अंदर लिखी जा रही होगी, और सारा काम आप उस पर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आपका जो मेन क्वेश्चन था कि अब आप कैसे करोगे, तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये वाला जो बिल्ड फोल्डर है, दो तरीके हैं। एक तो आप इस सर्वर के अंदर npm run build चलाओ, एक तो आप इसको अपने कंप्यूटर पे चलाओ और git ignore को यहां से बिल्ड को हटा दो, यानी कि सर्वर पे जब फाइल्स जाएं तो उसके साथ क्या जाए, बिल्ड का फोल्डर जाए। सही, ये हम नॉर्मली इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं कि बिल्ड यहां से डिलीट करके और बिल्ड बना के भेजते हैं गिटहब के थ्रू, गिटहब से डाउन, गिटहब हम डाउनलोड नहीं करते, बेसिकली गिट पुल ओरिजिन मास्टर करते हैं, तो वो सारी न्यू फाइल्स आ जाती हैं, और न्यू फाइल्स के बाद हम लोग, अब न्यू फाइल्स आना जरूरी नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि उस कंप्यूटर पे आप उस सर्वर को चलाओगे कैसे, सही है। अब आपको नोड JS के दो तरह के सर्वर होते हैं,
npm सॉरी नोड सर्व रिएक्ट यूजिंग एक्सप्रेस ज्यादा बेटर है, आप लिख लो GitHub तो इसने एक ही फाइल बनाई दी होगी index.js, सही है। अब index.js में क्या लिखा हुआ होगा, कोई बड़ी चीज नहीं लिखी हुई होगी, लेकिन इसने बड़ी बेकार कोड किया है। नहीं नहीं ये तो पब्लिक होता है, इसके दो आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट होता है एक पब्लिक होता है। प्राइवेट जो है वो सिक्योर रहे तो बेटर है। इसने भी खामखा इसको बहुत डिफिकल्ट किया हुआ है। चलो कोई ये आर्टिकल देख लेते हैं। हाँ चैट जीपीटी भी खोल सकते थे, सही। वैसे बहुत छोटा सा कोड है इसका, ये अब देखें वो क्या कह रहा है। आपने सिंपल रिएक्ट का फोल्डर बनाया, वो सिंपल आपने रिएक्ट का एक एक्सप्रेस सर्वर बनाया। अब वो एक्सप्रेस सर्वर हम नॉर्मली यहां पे बना देते हैं, जैसे यहां पे हम लिख लेते हैं server.js यहां पे बना दिया। उसके बाद आप ये, क्योंकि रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपके पास एक्सप्रेस नहीं होगा, तो हम npm इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस। लेकिन अब ये npm इंस्टॉल करने से मुझे क्या फायदा होगा कि मेरा जो package.json है उसके अंदर मेरे पास एक्सप्रेस हो जाएगा। अच्छा ये जो सारी जो बात हो रही है Netlify के लिए नहीं हो रही, तो ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास एक्सप्रेस आ गया तो इसको लेट से कि मैंने कहा 3000। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब रूट पे मेरे पास URL आए, वैसे ये रूट नहीं होता, ये भी गलती है, हम इसको कहते हैं स्टेरिस्क। यानी कि जो भी URL आए, जो भी चीज हिट करे, तो जिस फोल्डर पे आप खड़े हुए हो यानी कि रूट डायरेक्टरी, सही है। ये path dot join ये एक सिंपल सा पैकेज है, अगर आप यूज नहीं भी करोगे तो उसके बगैर भी काम हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है कि आपने path dot join किया। ये path dot join का क्या फायदा होता है कि विंडोज में बैकवर्ड स्लैश होता है और लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो आप पब्लिक स्लैश index.html आप करेंगे तो आपके जो विंडोज की ओल्डर वर्जन है वो उसमें नहीं चलेगा, और विंडोज की जो न्यूअर वर्जन विंडोज 10 जो है वो लिनक्स वाला पाथ एक्सेप्ट करता है। शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो, विंडोज 10 जो है उसके अंदर आप लिखेंगे ना कि बिल्ड के अंदर ये वाली फाइल है फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तो वो ले आता है, एरर नहीं देता। यही काम अगर आप एक्सपी विंडोज 7 विंडोज 8 दूसरे वालों में करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि विंडोज में जो पाथ होता है उसमें बैकवर्ड स्लैश होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली, पाथ डॉट ज्वाइन। मतलब ये ज्वाइन हम खुद नहीं करते कि पब्लिक एक फोल्डर है उसके अंदर क्या है फॉरवर्ड स्लैश, तो हमारे पास पब्लिक एक फोल्डर है उसके अंदर index.html है गलत, हम किसके अंदर जाएंगे बिल्ड के फोल्डर अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या पड़ी हुई होगी आपके पास index.html, और उसको क्या कर दो सेंड फाइल कर दो। जब आप सेंड फाइल करोगे तो आपके पास वो आपका जो index.html है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें अभी एक और चीज की कमी है, क्या चीज, इस चीज को, ये वाला, एक मिनट इस पे आते हैं, ये वाला काम भी होना होता है। अब मैंने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कर दिया क्या बिल्ड, इस मिडिल वेयर का क्या मतलब है, क्योंकि आप समझ गए होंगे एक मिडिल वेयर है तो इधर ऐप डॉट यूज है। तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक कर रहा हूं बिल्ड, मैं कह रहा हूं कि जो बिल्ड का फोल्डर हो ना उस पूरे को स्टैटिक फोल्डर कंसिडर करो। अब स्टैटिक फोल्डर कौन सा फोल्डर होता है, वो फोल्डर होता है जो आप उसकी फाइल्स एक्सपोज कर सकते हो, मतलब उसकी सारी फाइल्स जो है वो किसके पास जा सकती है क्लाइंट के पास, यानी आपके यूजर्स के पास, वरना आपका जो सर्वर है जैसे अमेजोन का सर्वर है वो इनको रोक देगा, वो बोलेगा कि आपने सेंड फाइल कौन सी की है index.html, बोलेगा मैं बाकियों को नहीं जाने दूंगा। तो आप इधर एक्सप्रेस में लिखते हो कि एक्सप्रेस ये जो मेरा बिल्ड फोल्डर है सारा का सारा ये क्या है स्टैटिक फोल्डर है, इसका मतलब है कि इसकी जो सारी फाइल्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं, वो सारी फाइल्स एक्सपोज हो सकती हैं, सारी फाइल्स यूजेबल है,
बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास ये बिल्ड फोल्डर जो है हमारा, ये सब कुछ बन गया। अब ये काम हमने किया क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है, अब आपके पास एक कंप्यूटर है, जब आप इधर हम चलाते हैं रिएक्ट की ऐप, हमें चेक करनी होती है तो हम कौन सी कमांड चलाते हैं? npm start। अब ये npm start आप सर्वर के अंदर थोड़ी चलाओगे, क्योंकि npm start जो है वो है डेवलपमेंट, यानी कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो। एक होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आपकी जो सारी ऐप है ये कंप्रेस होकर छोटी सी फाइलों में जमा हो जाती है। कि जैसे कैसे जमा होती है कि जब हम क्या लिख लेते हैं यहां पे npm run build, जब हम npm run build करते हैं तो अब वो क्या करता है कि अपनी जो सारी आपकी ये फाइल्स हैं, src का फोल्डर सब कुछ, इनको कंप्रेस करके एक फोल्डर के अंदर ले आता है। उस फोल्डर का नाम क्या होता है? बिल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि उस फोल्डर के अंदर जो index.html पड़ी है उसमें npm start तो चलेगा नहीं, सही है? अब किस कमांड के थ्रू मैं रिक्वेस्ट रिसीव करूं और उसको आगे जवाब फॉरवर्ड दूं, उसके लिए हमें एक क्या चाहिए होता है? एक्सप्रेस का सर्वर, जो कि जो भी आपको रिक्वेस्ट आ रही है उसको प्रोसेस करे। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड सर्वर कहलाता है, जो सिंपल सर्व करता है फाइल्स को और कुछ भी नहीं करता। इवन अगर हम इसको चला भी दें, इसको 5000 करें और इसको हम आके कहें npm server.js, बिल्कुल नोड होगा, नोड सर्वर डॉट जे एस। तो नोड सर्वर डॉट जे एस में आपके पास हुआ है सर्विस स्टार्टेड ऑन पोर्ट 1000 5000। अब हम लोग आते हैं लोकल होस्ट 5000, तो आपके पास बेसिकली सब कुछ चला। आई थिंक हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, पता नहीं मैंने क्या एरर मारा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैटिक फोल्डर में सब कुछ मिल रहा है मुझे, CSS, JS, जो भी फाइलों का अवेलेबल है। ये कहाँ से आ रहा है सारा? अच्छा ये सही से नहीं हुआ है, ये app.jsx तो मांगनी नहीं चाहिए। app.js फोल्डर के अंदर नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो हमने बिल्ड फोल्डर दिया है इसको, और हम लोग index.html, तो ये सर्च कर रहा है यहाँ पे फाइल्स को। एक तो main.json, अब देखें इसको ज़रा डीबग करते हैं। तो मेरे पास क्या आ रही है? main.json आ रही है बिल्कुल परफेक्टली। इसका मतलब है कि ये फाइल सर्व हो रही है। ये बात समझ आ रही है कि ये सर्व कैसे हो रही है? क्योंकि यहां पे हमने इसको क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो इसने क्या किया कि ये जो बिल्ड का फोल्डर था इसको पूरे को सर्वर पे लाइव कर दिया। इसके अंदर जो सारी फाइल्स हैं वो भी अब लाइव है। तो मैंने जब उसको बोला कि सर्वर में manifest.json पड़ी है, तो उसने manifest.json को डायरेक्टली पास ऑन कर लिया। ये अच्छी न्यूज है, इसका मतलब है कि ये काम तो सही हुआ। तो हम दूसरी फाइल पे जाते हैं। ये तो हमारी जो CSS की फाइल है CDN, ये तो इंटरनेट से आएगी, इसकी मुझे टेंशन नहीं है, राइट? उसके बाद हम एक और पे जाते हैं SRC। ये कह रहा है स्टैटिक js main.js। अब एक चीज मुझे यहां पे समझ आ रही है कि ये इशू पहला तो सर्वर डॉट जे एस में इसकी वजह से हो रहा है, सही है? नहीं, तो अब हमारे पास ये वाली जो फाइल है वो रिसीव हो गई है। अब अगर हम लोग जाते हैं एट लोकल होस्ट 5000,
अब हमें शो कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने इसको दे दिया था एट द रेट फुल राउट, सारे राउट्स उसको एक्सेस कर लो। तो एक मिस्टेक हो गई हमसे, वो मिस्टेक क्या हो गई कि जब स्लैश करके वो सारी फाइल्स की तरफ जा रहा है तो भी वो वहां पे ये वाली मतलब ये फाइल्स को एक्सेस करने जा रहे हैं तो भी उसको इसकी जगह पे वो index.html पास ऑन हो जा रही है, इस वजह से इशू हुआ। ये बात समझ आई वैसे? क्या वो इस वक्त प्रॉब्लम ये हुई है कि इस वक्त जो आपका रिएक्ट का बिल्ड फोल्डर है वो स्टैटिक का फोल्डर एक अलग से बना रहा है, जेएस और सीएसएस का अलग अलग फोल्डर बना रहा है। पहले के जो रिएक्ट की बिल्ड्स होती थी उसके अंदर स्टैटिक सीएसएस जेएस नहीं होता था, एक बिल्ड का फोल्डर होता था और सब कुछ उसके अंदर होता था। तो ये मुझसे मिस हुआ क्यों, क्योंकि हम मेरी प्रैक्टिस में था कि यहाँ पे सब कुछ क्रैम्ड अप होता है एक ही फोल्डर के अंदर। इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे 110% श्योर है यही होता है। और एंगुलर की भी सेम रिक्वायरमेंट थी, तो तब से हम लोग यही करते हैं और मुझे बड़ा टाइम हो गया ये वाला काम किए हुए, क्योंकि अब हम लोग नेटिफाई ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। और दूसरा है कि ये हम खुद लिखते भी नहीं है, नॉर्मली यही होता है कि किसी की ऑनलाइन फाइल उठा ली और कॉपी कर लिया, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है, सेम चीज़ है। अगर वो रिएक्ट की ऐप नहीं है और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट HTML की फाइल्स हैं तो हाँ आपको सबको नोट करना पड़ता। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है हमारे पास ये स्टैटिक का फोल्डर है। अब इसके दो मेथड्स हो सकते हैं कि या तो मैं ये जो सारी फाइल्स हैं इनको निकाल के मैं रूट पे ले आऊं, सही है। दूसरा है कि यहाँ मैं app.use में एक राउट बना लूँ स्लैश स्टैटिक का, कि जब स्लैश स्टैटिक आए तो ये वाली फाइल्स को आप सर इस वाली फाइल्स को रूट ले जाओ, इस पर राउट ले जाओ। अब दो तीन मेथड्स हैं लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी पे फिलहाल नहीं जाते, लेकिन फिलहाल एक काम कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अगर हमने लिखा ऐप तो लाजमी सी बात है वो देगा कैनॉट गेट ऐप, उसकी वजह यही है कि वो कह रहा है कि ना हो। तो एक जुगाड़ अगर मैं सोच रहा हूँ तो हम ये सोचें क्या कैनॉट गेट इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास अभी मैंने वो हटा दिया ना स्टैटिक कि स्टैटिक फाइल्स भेजनी थी ना मैंने, तो हम लोग एक काम करते थे इधर एम्प्टी राउट भेजते थे। और अगर अब हम भेजें इसको, सॉरी ये इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब वही मसला हो रहा है। अब वही इशू हो रहा है कि जो इंडेक्स राउट के अलावा बाकी राउट्स हो रहे हैं, यानी कि जो उसकी इवन स्टैटिक राउट्स आ रहे हैं वो भी डायरेक्ट कहाँ भेज दे रहा है, index.html। अब यहाँ तो ये है कि हम इसको राउट्स डिफाइन करें कि स्लैश ऐप पे क्या भेजो, ऐप भेजो, या फिर हम ये करें कि जो यहाँ पे हमने ये पास किया हुआ है express.static build, इसके पास हम लोग एक और, लेकिन उससे हमें फर्क मसला ये मुझे ये हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसका कोई भी राउट चेंज करता हूँ स्टैटिक फोल्डर्स का, तो मुझे यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है, ये चीज़ है। अगर जैसे कि यहाँ पे है कि ये स्टैटिक स्लैश css, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि स्लैश स्टैटिक css को हटा दूँ और सारे फोल्डर्स को ही रिमूव कर दूँ, मैं बोलूँगा जो भी है जो भी कचरा है वो एक ही फोल्डर में भर दो, तो भी ये काम हो सकता है, लेकिन फिर हमें यहाँ index.html से ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ जाएंगी, सही है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम एक कस्टम राउट्स बनाएं यहाँ पे express.static के लिए, कि जिसमें हम उसको बताएं कि ये स्लैश css की तरफ भी जा सकता है स्लैश उसकी तरफ भी जा सकता है। तो दो तीन मेथड्स हैं, लेकिन ये खामा खागी कॉम्प्लिकेशन है। आई थिंक 16 वाला बहुत बेटर होता था, बहुत आसान होता था, क्योंकि वो सारी की सारी फाइल्स किसके अंदर भर देता था, बिल्ड फोल्डर के अंदर, तो उससे भी ये काम हो जाता था। लेकिन खैर मेन मकसद ये था कि इस तरह का सर्वर होता है, ये सर्वर हम सिंपल डिप्लॉय करते हैं, ये आपकी क्या चीज़ भेज देता है index.html आपको रिटर्न कर देता है। अब index.html पे आपको क्या चीज़ मिल जाती है, आपकी ऐप। अब क्योंकि आपकी ऐप index.html में मिल गई, तो अब आपके जो रिएक्ट राउट्स हैं वो राउट्स वगैरह किसके थ्रू हैंडल होंगे, आप रिएक्ट के थ्रू, क्योंकि ये रिएक्ट ऐप है। लेकिन अगर कोई स्लैश ऐप करेगा तो वो किसके पास राउट जाएगा, नोड के पास। मतलब कोई डायरेक्टली ऊपर स्लैश करके कुछ करेगा तो वो किसके पास राउट जाएगा, नोड के पास। यही मसला हो रहा था आपके साथ नेटिफाई में भी,
कि नेटलिफाई में जब आप ऐप एक दफ़ा ऐप आपकी खुल गई और आप बटन्स को क्लिक कर रहे हैं तो वो रिएक्ट राउटर चल रहा है, लेकिन अगर आप स्लैश करके डायरेक्टली कुछ लिख रहे थे तो वो किसके पास जा रहा था, जो नेटलिफाई का सर्वर है उसके पास, तो वो क्रैश कर रहा था और वो आपको बोल रहा था पेज नॉट फाउंड। जैसे यहाँ पे हमें आपका एक्सप्रेस का सर्वर कह रहा है कैन नॉट गेट, जब हमने वो स्लैश वो रिडायरेक्ट वाला नहीं लगाया हुआ। तो ये दोनों में फर्क है। लेकिन अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वो है ये एप डॉट लिसन क्या है इधर 5000, लेकिन जब हम लोग नेटलिफाई पे चीज देखते हैं तो नेटलिफाई पे क्या है डॉट ऐप, यहां पे तो मैंने ये चीज नहीं लिखी, सही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि जब ये प्लेन है तो ये कौन सा पोर्ट नंबर होता है, नहीं 88 नहीं होता, कौन सा होता है 80 होता है। लेकिन अगर आप वो कब होता है जब आपके पास क्या हो HTTP हो, अगर आपके पास HTTPS होता है तो क्या होता है 443, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको 80 पे चलाएंगे ना तो नॉर्मली सर्वर्स आपको 80 पे चलाने की इजाजत नहीं देते, वो आपको एरर थ्रो करेंगे, वो बोलेंगे आप 80 पे नहीं जा सकते। अब ये 80 किसके लिए है, HTTP के लिए है, और दूसरा कौन सा है HTTPS, उसका पोर्ट नंबर क्या है 443। अब HTTPS क्या है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं जैसे नेटलिफाई की ये वाली है, आप इसको रिलोड करें, रिलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्या बता रहे हैं कनेक्शन इज सिक्योर, ये कनेक्शन इज सिक्योर है, क्या मतलब है ये कौन सा HTTP है S है, यानी कि HTTP सिक्योर्ड है, तो HTTP सिक्योर्ड का 443 है। तो 443 और 80 ये दोनों पोर्ट नंबर्स जो हैं ये प्रोहिबिटेड कहलाते हैं, मतलब आप इनको डायरेक्टली इधर सर्वर को किस पे नहीं चला सकते, 80 और 443 पे आप नहीं चला सकते, ये दो प्रोहिबिटेड पोर्ट्स हैं। अब मसला ये कि जब ये प्रोहिबिटेड है मतलब आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो अब मुझे तो तब चाहिए ना कि जब मैं अपना डोमेन नेम लिखूं तो मुझे अपनी रिएक्ट ऐप दिख जाए, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं क्लाइंट को बोलूँगा भाई लिखो कि ABC:, वो तो बोलेगा ये पता नहीं क्या पागलपन है 5000, वो तो बोलेगा पता नहीं कोई हैक करेगा मुझे 6000 4000 2000, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। तो उसके लिए अब एक और पंचायत है, उसको हम कहते हैं एंजिनिक्स, वैसे एंजिंक्स है लेकिन पता नहीं, मैं इसको एंजिनिक्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब ये जो एंजिंक्स एक आपके पास सर्विस है, ये सिंपल सर्विस क्या करती है कि ये आपकी रिवर्स प्रॉक्सी कहलाती है। अब रिवर्स प्रॉक्सी सिंपली क्या करती है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये पोर्ट 80 और पोर्ट 443 को रीड करता है, और पोर्ट 80 और पोर्ट 443 के पास जो रिक्वेस्ट आती है आप इसको फिर बताते हो कि जो भी 443 और इसके पास रिक्वेस्ट आए तो किस पोर्ट नंबर के थ्रू राउट कर दो। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप फर्ज करो चला रहे हैं एक आपके पास अपनी API, अब API आप नोड जो इसकी चला रहे हैं पोर्ट नंबर 8000 पे, और आप फ्रंट एंड का जो आपका एक्सप्रेस का सर्वर है वो चल रहा है 5000 पे। अब प्रॉब्लम ये अगर दोनों को अगर आप 8080 करोगे तो क्लैश हो जाएगा, सही है। उस पे हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि जब भी राउट आए /API, सही है, राउट आए /API, तो /API का जब भी राउट आए तो 8000 की तरफ भेज देना। अगर /API का ना आए, कुछ और आए, कुछ भी और आए, तो उसको भेज देना पोर्ट नंबर 5000 की तरफ, यानी कि API के अलावा जो भी रिक्वेस्ट आए उसको कहाँ भेजो, फ्रंट एंड के पास, और अगर उसके अलावा कोई भी आए तो उसको भेजो 8000 के पास। अब ये दोनों लिसनर्स जो हैं हम लगा देते हैं पोर्ट नंबर 80 पे भी और 443 पे भी, तो आपके पास जो आपका सेम वेबसाइट है यानी कि आप जैसे इन्होंने लिखा हुआ है engines.com, तो ये चल रही है पोर्ट नंबर 443 पे, तो 443 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है सर्वर के ये 443 पे रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि ये कौन सी रिक्वेस्ट है, HTTP सिक्योर है। तो आपका ये जो ऐप है, लेकिन जब ये एंजिनिक्स वेबसाइट पे हिट कर रहा होगा तो वो देखेगा कि भाई ये रूट पे आया है, रूट पे आया है /API पे नहीं आया, तो इसको फर्ज कर इन्होंने बोला होगा कि 3000 पे भेज देना, तो जो आपका 3000 पे पोर्ट नंबर चल रहा होता है वो उस पे ले जाता है। अब प्रॉब्लम ये, आप ये कैसे करते हो, तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हो EC2 जो कि AWS आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप लिख सकते हो एक्सप्रेस, उसके बाद आप लिख सकते हो एंजिंक्स। मतलब किस पे है, नेटलिफाई पे AWS पे,
नेटलिफाई के लिए नहीं है, ये सारा काम जो है AWS के लिए, अगर आप कस्टम एक लिनक्स के सर्वर पे कोई डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये उसके लिए है। पोर्ट नंबर भी आप देते हो? एग्जैक्टली वैसा ही है, मैपिंग है। नहीं, डॉकर डॉकर फाइल आप यूज कर सकते हो, लेकिन डॉकर फाइल की इधर नीड नहीं है। अगर आप डॉकर चलाना चाह रहे हो तो आप डॉकर पे अपनी इमेज बना लोगे, तो इमेज आप डाउनलोड कर लेते हो EC2 के अंदर, यानी कि डॉकर EC2 में इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। आप कहते हो डॉकर पुल, डॉकर पुल करोगे तो वो इमेजेस को दोबारा से डाउनलोड कर लेगा, और आप उसको कहोगे डॉकर कंटेनर अंडर आई टी और -p करके आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करोगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के बाद कंटेनर का नाम दोगे और उसके बाद चला दोगे, और -i t आपको पता है कि वो इंटरैक्टिव मोड है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि वो आपका कंटेनर अप हो जाएगा। कंटेनर अप होगा तो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। आपका बैकग्राउंड प्रोसेस चला, अब आपने बोला था -p 5000 × 5000, यानी कि डॉकर के अंदर जो 5000 का पोर्ट है वो मैप हो रहा है किसके पर, जो आपके सर्वर का 5000 पोर्ट है। उसके बावजूद भी आपको एंजिनेक्स चाहिए होगा, समझ आ रही है? वो 80 रिसीव नहीं करेगा। अगर आप उसको कहोगे ना 80:5000 कि जो सर्वर का 80 नंबर पोर्ट है वो किसके साथ मैप करो, 5000 के साथ एरर दे देगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट है। तो आपके पास ये एंजिनिक्स जो है इसको सेटअप करना, इंस्टॉल। अब ये वाली जो कमांड्स हैं ये लिनक्स की कमांड है, तो सही है। पहले स्टेप में ये आपको बोलेगा कि लिनक्स पे ये चीजें इंस्टॉल करो, उसके बाद बोलेगा इस लिनक्स को चलाओ। अब इसका क्या फायदा है, ये सिस्टम कर्नल प्रोसेस है। अच्छा, ये जो भी बातें हो रही है लिनक्स की बातें हो रही है, सही है, नेटलिफाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिस्टम कर्नल प्रोसेस क्या होता है कि जो नेटिव प्रोसेस होता है, जैसे आपका विंडोज है। अब इस केस में ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सर्वर क्रैश किया तो सिस्टम कर्नल प्रोसेस आपके सर्वर के रीस्टार्ट होने पर खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपका अगर सर्वर क्रैश हुआ और आपने AWS पे सेट किया हुआ है कि अगर ये क्रैश कर जाए तो उसको रीस्टार्ट कर दो, तो आपका एंजिनिक्स ऑटोमेटिकली आप हो जाता है, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो अपनी IP पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पेज दिखता है, वेलकम टू एंजिनिक्स। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि मैंने कुछ क्या सेट किया हुआ है। मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या सेट हुआ है, एंजिनिक्स मेरे पास सर्वर पे सेट हुआ है। और ये मैंने कौन सा सर्वर यूज किया हुआ है, Ubuntu टाइप ऑफ सर्वर यूज किया हुआ है, जो कि लिनक्स का पैकेज है। तो अब ये हो गया, तो आपके पास इंजिनिक्स इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद विंडोज में तो सारे काम कॉपी पेस्ट और सब कुछ तरीके से हो जाते थे, लेकिन ये लिनक्स है। तो अब लिनक्स में वो क्या कर रहा है, सीडी क्या है जो आप ये यहाँ पे ये करते हो, ये सब उसके बाद होगा, ये लंबा प्रोसेस है। तो इसके $50 हम लोग यहाँ ही थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो सीडी आप ये जब कमांड लगाते हैं तो आप किस एक डायरेक्टरी है ETC, उस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, एंजिनिक्स, यानी कि जहाँ पे एंजिनिक्स इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके अंदर एक ये वाली आपके पास जो नहीं है, बकवास चीज़ लिखी हुई है, खाम खा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, इसने ना पूरा AWS का सिस्टम भी समझाया हुआ है कि देखें EC2 पे गया, उसके बाद इसने लॉन्च इंस्टेंस किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे भी दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस। जब आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो आपके पास बोलेगा कि इस इंस्टेंस को नाम दो। मैं बोल देता हूँ कि माई रिएक्ट ऐप, कुछ भी आप दे दो, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा करूँ, तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ होता है Amazon Linux, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक लिनक्स है इसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है। जो Ubuntu है ये थोड़ा कदरे इजी है, उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल होती हैं। विंडोज़ भी होता है, लेकिन आप विंडोज़ पर सर्वर बनाना बकवास है, सही। वो रैम बहुत ज़्यादा खा लेता है, 1 GB पे आपका कुछ नहीं होता, और बहुत बड़े दूसरे मसाइल भी होते हैं। GUI आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं है। आप Ubuntu करोगे ये सिंपल CLI वर्जन है, कमांड लाइन वर्जन। तो इसमें आपको कौन सा दे रहा है, Ubuntu सर्वर 22 HVM वर्जन। HVM वर्जन बेसिकली CLI वर्जन है, तो इसमें 64-bit इंस्टॉल करेगा। आप बोलो सही है। अब आपसे पूछेगा कि मैं कौन सा इंस्टॉल करूं, सबसे पहले इसने सेलेक्ट किया हुआ है कौन सा, T2 माइक्रो, जो मैंने भी उठाया हुआ है। ये कह रहा है कि फ्री टीयर एलिजिबल है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है फ्री टीयर की तो आपको फ्री बोलेगा, वरना आपसे पैसे लेगा 0.0116 USD। अब इसी के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो दूसरी इंस्टेंसेस भी,
अब दूसरी इंस्टेंसेस कौन कौन सी हैं, इसमें बेसिकली रैम वगैरह बढ़ती है। अब देखें ये वाला जो है C4 लार्ज, ये 36 सीपीयू हैं इसमें, सही है 36 कोर्स हैं सीपीयू के, और कितनी रैम है 60 GB की रैम है। तो ये हर तरह के तकरीबन आपको सर्वर्स देता है। अब इसको ज़रा देखें, ये अभी आपको बताते हैं हम थोड़ी देर में, इसके कितने कोर्स हैं, लेकिन इसकी रैम कितनी है 192 GB। लेकिन इतना ज़्यादा आप बोल रहे होंगे हैवी है, मज़े का है, कभी इस्तेमाल करना चाहिए, तो साइड में ये भी पढ़ लेंगे, ये पर आवर कितना है 4.21 USD पर आवर, यानी $5 आपका तकरीबन काटेगा एक घंटे का इसको चलाने के, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग भी इतनी ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन होता है कि आपको इतना हैवी चाहिए क्यों? अगर आपको एक रिएक्ट की ऐप अगर चलानी है तो उसके लिए ये जो 1 GB वाला है इनफ है, 1 GB वाला काम कर जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई AI रिलेटेड ऐप है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोसेसिंग हो रही है, काम हो रहा है, तो उसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए होता है, हैवी प्रोसेसर चाहिए होता है, और रैम ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपका इवन डैशबोर्ड बड़ा है, बहुत बड़ा डैशबोर्ड है, लेकिन MySQL भी आपकी इनसाइड ही है, तो MySQL अलग रैम खाएगी, आपका फ्रंट एंड अलग खाएगा, बैक एंड अलग खाएगा, तो उसके लिए आपको कम से कम फिर 4 GB चाहिए। और जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं तो रैम कंजप्शन भी बढ़ती है, क्योंकि इंस्टेंसेस बढ़ती हैं। अब आपकी 100 यूजर्स पे अगर वो 1 GB रैम खा रहा है तो 200 यूजर्स पे 200 खाएगा। जैसे 200 नहीं होता, वो 1200 होती है, फिर स्लो स्लो बढ़ती है, उसके एक अलग फार्मूलाज है। लेकिन एक सिंपल रिएक्ट ऐप, एक अच्छा हैवी जो डैशबोर्ड होता है, अगर उसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आपका एक ही इंस्टेंस के अंदर है, तो मैंने देखा है कि 4 GB इनफ है। अभी जो हमारा आई सी है वो भी एक AWS में पड़ा हुआ है, वो 4 GB है, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग है वो $45 महीना है। हाँ, बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडेबल है, लोड बैलेंसर भी कर सकता है, उसको आप इलास्टिक रख सकते हैं, लेकिन एक और मैन्युअली भी हो जाता है उसके बाद। हाँ, लेकिन बाद में अभी हम चेंज करते हैं इसको। ये सिक्योरिटी ग्रुप है। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास बेसिकली होता है कि जो अब ये जो फीचर है ना, ये AWS का अपना एक नेटिव फीचर है, जो जिसकी वजह से AWS मशहूर है कि अपने वो आपके जो इंस्टेंसेस सर्वर्स हैं उसको सिक्योर करता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स। लेकिन ये अभी बहुत इन्होंने ईजी कर दिया है, पहले बड़ा मुश्किल होता था, पहले खुद बनाने पड़ते थे, अभी इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, ये पहले नहीं होता था। पहले होता था हम नेक्स्ट दबाते थे, फिर एक नया पेज होता था, उस नए पेज पे अलग सेटिंग्स बनानी होती थी, फिर नेक्स्ट करो, फिर नया पेज होता था। अभी इन्होंने बहुत आसान कर दिया है कि वो एक ही पेज है, बस नीचे स्क्रॉल करते जाओ, बाकी चीज़ें वो खुद ही हैंडल कर लेता है। तो थोड़ी बहुत आपके लिए वो जैसे जैसे जाहिर सी बात है आगे काम बढ़ रहा है तो ईजी हो रहा है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ है? SSH। तो SSH जो बेसिकली है वो कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है? एनीवेयर, मतलब इस इंस्टेंस में SSH के थ्रू कहीं से कोई भी आके कनेक्ट हो सकता है। अब ये SSH कौन है? ये वही है कि जो आपने पुटी सॉफ्टवेयर देखा, वो जो पुटी सॉफ्टवेयर है वो जिस पोर्ट नंबर से कनेक्ट होता है वो पोर्ट नंबर 22 है, और पोर्ट नंबर 22 जो है वो कौन सा है? SSH है। कौन सा एग्जिस्ट होता है? वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो आपके सिस्टम डिफाइंड कुछ पोर्ट्स होते हैं। अब जैसे कि 22 पोर्ट नंबर जो है वो ओनली डिफाइंड है किसके लिए? SSH के लिए। आप इसको अगर चेक हटा देंगे तो फिर तो SSH भी निकल जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि HTTPS अलाउ करूं, HTTP अलाउ करूं। अब अगर ये अलाउ हो गया तो आपको नीचे से एरर दे रहा है कि ये सब कहाँ पे अलाउड है? एनीवेयर। नॉर्मली SSH जो ट्रैफिक है वो हम एनीवेयर से नहीं देते, हम देते हैं जैसे आपका ऑफिस कंप्यूटर है तो उसकी एक अगर स्टैटिक IP है तो हम स्टैटिक IP यहाँ पे दे सकते हैं, तो सिर्फ वो उस स्टैटिक IP से, मतलब ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। एक तो आपके पास वो की फाइल तो होगी ही होगी, उस की फाइल के बगैर तो आना नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास आप यहाँ पे आके उसको बोल सकते हैं कि अगर किसी और IP से रिक्वेस्ट आए तो रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट मत करना। उसके अलावा HTTP और HTTPS को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो HTTP से भी अब ट्रैफिक लेगा और HTTPS से भी ट्रैफिक लेगा। आपका जो नॉर्मल डेवलपमेंट सर्वर होता है वो नॉर्मली किस पे ट्रैफिक उठाता है? HTTP। और आपका जो प्रोडक्शन सर्वर होता है वो नॉर्मली किस पे ट्रैफिक उठाता है? HTTPS। वो HTTP पे ट्रैफिक नहीं उठाता क्योंकि अनसिक्योर लाइन होती है। तो अब ये बाकी चीज़ों को रोक देगा, यानी कि सिर्फ पोर्ट नंबर 443 को आने देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। आपका पोर्ट नंबर 5000, पोर्ट नंबर 3000, 9000, 8000, किसी भी पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आपकी
एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद आप जब नीचे आके, अब यहां से आपसे पूछेगा कि आपकी कितनी आपको स्पेस चाहिए, यानी कि आपके वो सर्वर बना रहे हैं ना आप, तो सर्वर में कितनी आपको हार्ड डिस्क चाहिए, अभी कितनी लगी हुई है, 8 है, लेकिन 30 जो है वो एक्सेप्टेड है फॉर फ्री, नीचे छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30 आप करेंगे तो आपको ये फ्री तक मिल जाती है, उसके बाद फाइनली बाकी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है और आप किसको क्लिक कर देंगे, लॉन्च इंस्टेंस, तो आपका सर्वर स्टार्टअप हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको बोलेगा कि इसकी की फाइल बना के दूं, मतलब इसको लॉन्च करेंगे तो आपको पूछेगा कि इसकी की फाइल बना के दूं, तो आप बोलो हाँ, तो वो डाउनलोड कर देता है, आपके पीसी पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, पैसे कटेंगे मेरे अब नहीं, फ्री का पहले से एक बना हुआ है, सिर्फ एक ही अलाउड है, ये ऑलरेडी चल रहा है ना, अगर मैंने सब दूसरा बनाना है तो उसने एक महीने का रजिस्टर कर देगा। तो इसका मैंने फाइल बनाई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, चेक हुआ हुआ है। अब इन्होंने एक सवाल किया कि हमने 1 GB रैम सेलेक्ट की बनाते हुए, अब मुझे पता लगा मेरे यूजर्स बढ़ रहे हैं तो अब मैं क्या करूंगा, तो बेसिकली क्या करना होता है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टेंस स्टेट, इसको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टॉप, इसको रोकना होता है, अभी रुकेगा तो जारी बार ट्रैफिक बंद हो जाएगा, लेकिन फिर आप एक्शंस में जब एक दफा बंद हो जाती है तो यहाँ रनिंग की जगह क्या आ जाता है, स्टॉप, फिर एक्शंस में जाके इंस्टेंस सेटिंग्स में जाके नहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्शंस के अंदर इंस्टेंस टाइप, आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप को क्लिक करते हैं और आपको फिर से वो पूछता है कि आपको कौन सा इंस्टेंस करना है, आप T2 माइक्रो करें, T2 मीडियम करें, T2 मीडियम जो है वो 4GB है, सही है, जो बहुत पॉपुलर है, T3 मीडियम भी, ऑटो स्केलिंग जो है वो यहां से होती है, ये इलास्टिक ब्लॉक्स तो ले रहा लोड बैलेंसर्स, वो लोड बैलेंसिंग से होती है यहाँ पे, ठीक है, ये एक अलग सर्विस है। अब ये अलग सर्विस, ये इसका नॉर्मली यूज वहां पे ज्यादा होता है कि आप क्या करते हैं कि आप इसको बिल्कुल ही खुली छूट नहीं देते, जो खुली छूट है वो EBS पे है, अब EBS इनकी अलग सर्विस है। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हो सारा वैसे क्लाउड है, और ये बहुत एक मेरी नज़र में बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, मेरा आज प्लान नहीं था कि हम इसको डिस्कस करें, मैंने सोचा था कि कोई रिया की ऐप में ही कोई ऑथेंटिकेशन लगा देंगे, कुछ कर देंगे, उसके बाद खेलते रहेंगे, लेकिन ये बात खुल गई तो अब चला ली हमने। अब ये इनकी एक सर्विस है इलास्टिक बीन स्टॉक, अब इलास्टिक बीन स्टॉक जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वो है कि ये बिल्कुल ही डायनेमिक है, मतलब ये आपसे नहीं पूछता कि मैं इसको 1 GB दूं, 2 GB दूं, क्या दूं, आप जब इसमें ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप एनवायरनमेंट बनाएंगे अपना, वो आपसे पूछेगा कि आपके फाइल्स किधर हैं, मैं गिटहब से लूं, कहां से लूं, या आप मैन्युअली अपलोड करेंगे, आप इसको मैन्युअली भी अपलोड करके दे सकते हैं, तो क्या करेगा, आपकी ऐप को इंस्टॉल कर देगा, आपको URL दे देगा जैसा नेटलिफाई करता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको EC2 पे दिखेगा, मतलब कि आपकी बाकायदा अगर EC2 पे आपको इंस्टेंस आपकी दिखती है कि लेकिन बनाई किसने है, वो EBS ने बनाई है, जो इसकी अलग सर्विस है। फिर उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ते हैं ना, तो 1 GB से 2 GB पे चला जाता है, अगर वो प्रोसेसर ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब प्रोसेसर 100% पे चल गया है, तो वो उसे ऐसी इंस्टेंस उठा लेता है जिसका प्रोसेसर बड़ा है, यानी कि 2 CPUs कर देगा, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केल करता जाता है खुद ब खुद, लेकिन उसका मसला ये है वो पैसे लेता है। जो EBS है वो अब आपसे बॉस आपसे पूछेगा कि भाई, एक टिपिकल सवाल होता है बॉस का कि पैसे कितने लगेंगे, सही है, अब EBS में आप उसको बोलोगे कि मुझे नहीं पता, तो आप उसको ये जवाब दोगे ना, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो क्योंकि वो बोलेगा भाई ऐसे कैसे मेरे पैसे हैं, मतलब तुम मेरे हैं तो तुम बहाओगे क्या, सही है। अगर आपका कोई गोरा क्लाइंट है वो बोलेगा भाई गिरना नहीं चाहिए बस, तो आप उसको बोलो टेंशन ही ना लो, आप EBS में उसको लगा दो उसकी ऐप, तो EBS क्या है वो ऑटोमेटिकली स्केल करता रहेगा। लेकिन फर्ज करो कि उसमें मसला क्या है कि अगर कोई कोड में आपके मसला था और कोड वो हो गया, फर्ज करिए कोई लूप्स चल गए बहुत ज्यादा, वो प्रोसेसर और रैम कंजप्शन अचानक से एक तरह से फैल गई और बूस्ट अप हो गई, तो वो जाके वो 192 GB वाला रैम वाला नहीं था वो उठा लेगा, जो कि $4-5 पर आवर पे चलेगा। एक दफा ऐसा हुआ है कि एक, वो खैर मेरी गलती नहीं थी, वो एक क्लाइंट था, वो खुद ना उसको था कि मैं खुद टेस्ट करूंगा, क्योंकि सारी सी बात है हम पैसे ले रहे थे उससे, उसने उसको लगा कि ये वैसे डैशबोर्ड ही तो है, तो डैशबोर्ड जाके चेक कर रहा था और कह रहा था कि नहीं EBS की मैं खुद उसने चला दी वो इंस्टेंस और भूल गया, तो उसका बिल आ गया था एक महीने का $4,000। तो वो मेरे पास आया कि तुमने बनाया ये, मैंने कहा कि मैंने तो EC2 बनाई हुई है, मैंने EC2 सिंपल T2 मीडियम बनाई थी जिसका $50 से ज़्यादा का बिल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने जाके जब चेक की तो मुझे पता लगा कि उसने एक EBS की इंस्टेंस चलाई हुई है, तो मैंने उससे पूछा EBS किसने चलाया है, तो उसने पूछा कि ये तो मैंने चलाई थी, मैं टेस्ट कर रहा था,
अब उस पर उसने पता नहीं क्या अपलोड कर दिया था कि वो EBS का जो कॉस्ट थी वो $3,500 से ज़्यादा गिरी एक महीने की, मतलब उसके पैसे वो ज़ाया हो गए, अब वो बिल हो चुके हैं। तो इस तरह के भी मसले होते हैं। तो आप खुद सोचेंगे अगर आप किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के $4,000 रुपये डुबाएंगे तो मसले मसायल होंगे आपके लिए। डाउन टाइम नहीं आता लेकिन कॉस्ट है। प्रॉब्लम यही है ना कि वो आपका इशू भी हुआ ना, कोई कोड में कोई एरर आया जिसकी वजह से आपके कोड जो प्रोसेसर की कंजप्शन है या आपकी रैम कंजप्शन है वो बढ़ गई, तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो उल्टा और रैम को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, वो बोलेगा कि इसको और दो, समझ रहे हैं। तो इस वजह से आपको ये श्योर होना चाहिए EBS में कि आपके कोड में 0% चांस है किसी एरर का, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने क्लाइंट से कंफर्म करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप ये कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जाहिर सी बात है कि अच्छी गाड़ी तो हर कोई चलाना चाहता है, लेकिन मसला पैसों का है ना, पैसे नहीं है। तो यहाँ पे भी हर किसी को स्पेस ज़्यादा ही चाहिए, ज़्यादा ही पावर चाहिए, लेकिन बहुत मसला होता है कॉस्ट का। इवन क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई 2 GB वाली दे दो, खुदा का वास्ता है, हमें 1 GB पे काम करना पड़ता है बहुत फंसा फंसा के। तो इसका बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप, अगर ये जो वैसे नॉर्मली सर्विसेज हैं Netlify से AWS अगर आप सीख जाते हैं, या साइक्लिक जो है ये जुगाड़ है, आपको कम से कम डिप्लॉयमेंट में ये आना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैंडर्ड है। वो तो जब आपका डोमेन है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट एक नाम है आपका। नहीं, ये तो वो देता है, हाँ ये राउट 52 देता है, लेकिन इनका अपना वो अलग सिस्टम है, ये इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा है कि आप GoDaddy से ले, बहुत आसान है, वो कनेक्ट हो जाता है इनसे ईजिली। ये हमारी होस्टिंग है, ये मेजर होस्टिंग है। अब S3 बकेट भी इन्हीं के अंदर होता है, मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा बनाई थी लेकिन डिलीट कर दी थी। अब इनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनमें आपको मैं पॉपुलर वाली दिखा रहा हूँ, जैसे EBS इलास्टिक बीन स्टॉक जैसे कहते हैं वो, ये डायनेमिक वाली है। EC2 जो है ये आपका सिंपल सर्वर है, और S3 जो है ये आपका डेटा सेव करने की जगह है। अब देखिए, ये मैंने सारे बकेट्स बनाई थी जिनको मैंने किसी ज़माने में टेस्टिंग वगैरह के लिए बनाया हुआ होगा, लेकिन अभी ये सारी वो होंगी डिसेबल्ड है, सही है। अब इस पर जब आप क्रिएट बकेट करते हैं ना, तो आपसे ये पूछता है कौन सी बकेट है, क्या है, सारे प्रोसेस वगैरह, और बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस आपको दे देता है। नॉर्मली आई थिंक जो इनकी स्पेस है वो 1 TB है, 1 TB ऑफ डेटा है जो आपको ये देता है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी इस सर्विस का फ़ायदा क्या है कि ये CDN है एक तरह से। CDN क्या होता है, कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क, उसका जो डिलीवरी टाइम होता है वो बहुत फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर चीज़ें, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं AWS के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि कल ये फाइल ले आऊँ मैं कहीं से, ये जो हमारी PIM फाइल है आपके पास मिल जाए तो हम इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको सर्वर के अंदर से Nginx दिखा दूंगा कि Nginx कैसे सेटअप हुआ हुआ होता है, सही। आई थिंक आपका ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है, वो बनाया सर्वर, हाँ ये वाला, इसी के अंदर आप लिख सकते हैं, सिंपल, सही है। नहीं नहीं नहीं, ये सिंपल ही होता है सर, सर्वर डॉट जेएस सब कुछ इसी में भर दो, क्योंकि लाइन ही दो चार होती हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अलग होता है, ये बिल्कुल, ये जस्ट इसका काम है, इसका जो बिल्ड फोल्डर है ना उसको फेंक के आपको देना बस, और कुछ भी काम नहीं है इसका, इसके काम में और कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन ले जाते ही नहीं है, एक सिंपल सर्वर डॉट जेएस की फाइल है। इवन प्रोडक्शन लेवल तक भी हम बोलते हैं इसको सिंपल से सिंपल रखो, क्योंकि इसको हम कहते हैं ये स्टैटिक सर्वर कहते हैं इसको, इसका काम है बस index.html को आगे पहचना बस, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। किसमें? नहीं नहीं नहीं, वो आपका बैकेंड अलग है। अब जैसे ये वाला सर्वर डॉट जेएस है ना, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो ये वाला है। अब ये वाला जो सर्वर है ना, इसमें प्रॉपर देखें, मैंने पैकेज डॉट जेसन बनाया हुआ है, इसमें प्रॉपर मैंने सारा ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, इसके अंदर सारे राउट्स हैं, MongoDB है, सब कुछ है, प्रॉपर बैकेंड ये है, ये बैकेंड नहीं है।
ये जो सर्वर डॉट जे एस है ना, ये बैकेंड नहीं है, ये मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया है छोटा सा एक्सप्रेस का सर्वर जो किसको भेज रहा है, सिर्फ बिल के फोल्डर को, क्योंकि बिल का फोल्डर विदाउट सर्वर के नहीं आ सकता नेटलिफाई अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। बिल्कुल उसी तरीके से, एग्जैक्टली, गुड गुड एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, दो सर्वर होते हैं हमारे पास, एक सर्वर जो है वो आपका फ्रंट एंड सर्व कर रहा होता है, दूसरा एक्चुअल बैक एंड होता है, ये दो तो अलग अलग होते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ी सी फटी है अगर आप नेटलिफाई यूज नहीं कर रहे, तो नेटलिफाई जब नहीं होता था तो हम ये काम ऐसे ही करते थे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता था। अपना क्लाउड आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर रास्पबेरी पाई चाहिए, फिर रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग चाहिए, फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कभी फेल ना हो, आपको ऐसा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए जो कभी फेल ना हो, सही है, और उसके बाद आप उसको मेंटेन करेंगे वो आप साइबर अटैक से, क्योंकि जो आपके ऐसे रिमोट सर्वर्स होते हैं उनको साइबर अटैक बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जैसे माइनिंग आप सब जानते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब ये क्योंकि जैसे EC2 है, ये पूरा एक सर्वर है आपका, एक पूरा कंप्यूटर है जो कहाँ पर आवा है AWS में, तो देखें कितना मजे की चीज़ है कि वो जो माइनिंग है वैसे एक बड़ा सा वो बोर्ड लगाए हैं, उसके अंदर बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड लगाए हैं, उससे सारी प्रोसेसिंग करें, या आप एक काम करें कि वो बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स को हैक कर लें, रिमोट सर्वर को, जैसे 100,000 लोगों के आपने रिमोट सर्वर्स हैक कर लिए, थोड़ी 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 प्रोसेसिंग सब में आपने चला दी, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरीके से वो लोग बहुत ज़्यादा रिमोट हैक्स होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा नहीं रह सकते ना आप, कितने लोग 1 GB 1 GB 1 GB, वो लोग क्या करते हैं वो हैक कर लेते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट बनी हुई होती है उसको कहते हैं क्रॉलर, वो क्या करता है कि वो इंटरनेट पे ना ऐसी IPs को ना रैंडमली सर्च करता रहता है कि कोई हमें जिसकी साइबर सिक्योरिटी लूज हो ना वो IP मिल जाए, उसको वो IP मिल जाती है, वो चेकआउट कर लेता है कि इसके पास कितने CPUs हैं, इसके पास कितनी रैम है, फिर वो क्या करता है कि आपके ऑपरेशन, वो इतने उस्ताद होते हैं कि वो देखता है कि आपका ऑपरेशन अगर 4 GB रैम है और आपका जो ऑपरेशन है वो 800 MB उठा रहा है, पीछे 3 GB खाली पड़ी है, तो कहता है 2 GB में मेरा प्रोसेस चला दो, सही, ताकि आपको भी पता ना चले, आपकी भी वेबसाइट चुपचाप चलती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको तब पता चलेगा कि जब आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैम खाना शुरू करेगी और आपका फिर वो कंजप्शन बढ़ेगी तो आपका सर्वर डाउन हो, तो आप बोलोगे यार 4 GB रैम है, 2 GB में कैसे डाउन हुआ, ये सिक्योर्ड है, ये ऑटोमेटिक साइबर सिक्योरिटी इनकी अवेलेबल है, उनके पास भी है, उनका अपना क्लाउड है, GCP कहते हैं उसे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कहते हैं उसे, बेसिकली क्लाउड सब कुछ उनका अपना है, ये बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, क्या बात कर रहे हैं, इसको हर बड़ी कंपनी है ना, जायंट उसने ही बनाया हुआ है, AWS का जो 80% रेवेन्यू है वो AWS से आता है, यानी Amazon वेब सर्विसेज, तो ये आपका गूगल है, और गूगल भी सब वही काम देता है, सेम वही चीज़ें देता है जो आपको AWS देता है, कि आप सर्वर बना सकते हैं सब कुछ, उसको कंप्यूट इंजन कहते हैं ये लोग, नाम थोड़ा बदल दिया है, आप इसको कहते हैं नहीं, ये AWS, ये ईजी नहीं है इतना जितना AWS है, AWS बहुत कंट्रोल देता है, ये बहुत अनोइंग है, मैंने इस पर भी काम किया है, कोई क्लाइंट आ जाता है बोलता है कि मेरे पास GCP है, क्योंकि अगर आपको लिनक्स आती है ना, फिर GCP आ जाए, यानी कि गूगल आ जाए, या आपके पास AWS आ जाए, या माइक्रोसॉफ्ट Azure आ जाए, अब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपनी एक शोशा खुला हुआ है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का सेम चीज जो AWS करता है, एग्जैक्ट सेम चीज, सही है, अब आप इधर देखेंगे तो इनके पास क्या क्या है फीचर्ड, अब इनके पास भी AWS की तरह हजारों सर्विसेज हैं, लेकिन इनकी सबसे चलने वाली जो है वो एक तो AI प्लस मशीन लर्निंग है, उसके बाद कौन सी है, कंप्यूट, कंप्यूट बेसिकली वही है जो EC2 है, गूगल भी इसको कंप्यूट कहता है, कंप्यूट इंजन ये लोग इसको कंप्यूट कहते हैं, AWS इसको EC2 कहता है, सही है, तो ये इनके अलग अलग नाम है लेकिन काम सबके एक ही है, कौन सा ये तो डोमेन है, .com का मतलब होता है कमर्शियल, तो ये कमर्शियल है, तो ये सिंपल आपका ना वो डोमेन स्पेसिफिक नाम है, तो ये तो अलग चीज़ है, ये इसका इनकी सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं अपना रख सकते हैं कि मतलब ये कि .net .io इस तरीके से, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते, ये कुछ स्पेसिफिक ही हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, अब जैसे .tv है तो वो जो टीवी वाले होते हैं वो बाय करते हैं,
वाला डोमेन। तो ये कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो हैं। अब मसला ये है कि अगर ये बदल देंगे ना तो लोग लोग जो जानते हैं वो डॉट कॉम को जानते हैं, आजकल डॉट ए आई को भी बहुत लोग जानते हैं, डॉट आई ओ को भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन शुरू से वो सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं वो डॉट कॉम को जानते हैं। वो लोगों की परसेप्शन है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आई ओ होता है एप्लीकेशन के लिए, जो आपकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जब वो लोग सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो SaaS प्रोडक्ट्स, उनके लिए i.io नॉर्मली यूज़ होता है। तो ये कुछ हमारे पास डोमेन नेम्स हैं। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।